जय श्री कृष्ण साथियों, एक बार फिर गीतादान गुरुकुल ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 10 का हमारा चैप्टर चल रहा था जिसमें हम पढ़ रहे हैं वंश हनुमान सीखी। कौन सा है हमारा चैप्टर? हनुमान सीखी। ठीक है, हनुमान सीखी के अंतर्गत हमने पिछली क्लास तक हनुमान सिंह शब्दावली के बारे में देख लिया था, मेंडल के बारे में देख लिया था और मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना था इसके बारे में देख लिया था। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेंडल के वंशागति के नियम। हेडिंग लगाइए, मेंडल के वंशागति के नियम। वंशागति के नियम तो देखिए साथ मेंडल ने अपने वंशागति के तीन नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? तीन। तो पहले सबसे पहले एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको उन तीन नियमों का नाम पता होना चाहिए। सीधा सा छोटा सा क्वेश्चन आ गया कि मेंडल द्वारा दिए गए वंशागति के नियम में से निम्न में से कौन सा नहीं है, मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्योंकि मैं बता देता हूं आपको कि इस बार जो आपकी बोर्ड की परीक्षा हो रही है वो मार्च की बजाय मई में हो रही है। इस बार आपका टोटल सिलेबस का लगभग 60% और अगर यही कोरोना का समय काल रहा तो ये 60% जो सिलेबस है ये घट करके 40% पर आ सकता है, ये भी इसकी पॉसिबिलिटी है। तो इस बार का जो पेपर पैटर्न है उस पेपर पैटर्न में आपको दो विकल्प होते हैं जिसे हम अपनी मारवाड़ी बोलते हैं, दो शब्द वाले। कैसे? ऐसे क्वेश्चन आपके जो हर साल चार क्वेश्चन आते हैं इस बार उनकी संख्या बढ़ करके 10 से 15 भी हो सकती है। तो उस बहुविकल्प के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बड़ी जगह रखेंगे, जो छोटे छोटे पॉइंटों के रूप में आप उठा देवे आपको इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले है कि मेंडल ने अपने जो वंशागति के नियम दिए थे वो तीन नियम कौन से दिए थे, उन तीन नियमों के अंदर तीन नियमों का नाम आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले वो प्रभाविता का नियम। सबसे पहले कौन सा है? प्रभाविता का नियम। ये नाम आपको याद होने चाहिए, मतलब याद होने चाहिए। सबसे पहला है वंशागति के तहत मेंडल ने अपने तीन नियम दिए थे। तीन नियमों में सबसे पहला नियम है प्रभाविता का नियम। दूसरा है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम ये भी आपको याद करना है। पृथक्करण के नियम को और नाम दिया गया। दूसरा क्या कहा गया? युग्मकों की शुद्धता का नियम, जिसका दूसरा नाम क्या है? युग्मकों की शुद्धता का नियम। ये भी मेंडल ने, ये इसी का दूसरा नाम है पृथक्करण में, या युग्मकों की शुद्धता का नियम कहे, ये दोनों बात एक ही है। फिर तीसरा दिया था स्वतंत्र अपमोहन का नियम। तीसरा नियम कौन सा था? स्वतंत्र अपमोहन, अपमोहन, स्वतंत्र अपमोहन का नियम। तो सबसे पहले आपको इन तीन नियमों के नाम पता होने चाहिए। मेंडल द्वारा वंशागति के तीन नियम बताए गए, जिसमें पहला था प्रभाविता का नियम, दूसरा था पृथक्करण का नियम, और पृथक्करण के नियम को और कहा जाता है युग्मकों की शुद्धता का नियम, और तीसरा कौन सा था? स्वतंत्र अपवहन का नियम। तो ये तीनों नियम आपको पता होना चाहिए और एक बार आप लिखने के बाद इसको अपने मन में दोहराए कि भाई ये मुझे तीनों नियम याद हो गए। ये तीनों नियम याद होने का मतलब है कि एग्जाम में हनुमान सीखी का जो चैप्टर है उसमें से जो क्वेश्चन आते हैं इसमें आप अपने 2 नंबर के क्वेश्चन को पक्का कर लेते हैं कि भाई इसमें से मुझे अगर पूछा जाता है तो मैं बता सकता हूं। अब आप देखिए कि प्रभाविता का नियम क्या है। हेडिंग लगाइए वापस, एक नंबर प्रभाविता का नियम। मैं इसको हटा देता हूं सीधा से लिखकर, ठीक है? तीनों नियम लिखिए। अब आप एक नंबर पर आइए, स्वतंत्र प्रभाविता का नियम। प्रभाविता के नियम का सीधा सा मतलब है कि शब्द की बात है तो मेंडल ने कहा था कि दो पादप संतियों के बीच अपन संकरण करवाते हैं,
आपने एक लंबे पौधा लिया, आपने एक मोना पौधा लिया, लंबे और पौधे के बीच में संकरण करवाया, जब आपने उसका रिजल्ट देखा F1PD में, तो F1PD में आपने देखा कि अधिकतर पौधे आपको कौन से प्राप्त हुए, लंबे वाले। तो कौन प्रभावी रहा, लंबापन है वो प्रभावी रहा, तो ये प्रभाविता का नियम था। तो देखते हैं किताब क्या कहती है, फिर अपन अपनी भाषा में समझते हैं। प्रभाविता के नियम इसमें लिखा गया है, यह नियम मंडल द्वारा प्रतिपादित एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। एक संकर संकरण मतलब एक समय एक ही पौधे के बीच में संकरण करवाया गया, आधारित है। इस नियम के अनुसार जब एक लक्षण के लिए विप्रयासी समहिपजी पादपों में संकरण करवाया जाता है, तो वह लक्षण जो F1PD में अपनी अभिव्यक्ति दर्शाता है प्रभावी कहलाता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, देखो मैंने लंबे पौधे लिए और मैंने गोले पौधे लिए, दोनों पौधे मान लो मैंने मटर के लिए। ठीक है, अब आप सबके होंगे लंबे पौधे कैसे, जैसे कि आप किसान लोग जाते हो, आपके खेत में गेहूं की फसल होती है, बाजरा की होती है, कपास की होती है। ठीक है, जो जमीन के ऊपर क्या होती है, जब आप खेत के अंदर भ्रमण करते हैं तो आप देखिए कि कहीं पर गेहूं का पौधा लंबा है, कहीं पर छोटा है, कहीं पर बाजरे का पौधा लंबा है, कहीं पर छोटा है। तो मतलब क्या हुआ कि पौधे तो एक ही हैं, कौन से गेहूं के, लेकिन कहीं छोटे हैं, कहीं लंबे हैं, कहीं छोटे हैं, कहीं लंबे हैं। ठीक है, मतलब कहीं लंबा कहीं पौना। तो इसी प्रकार जब मटर के पौधों की खेती को देखते हैं तो कहीं पर आपको मटर के पौधे लंबे दिखेंगे, तो कहीं पर आपको इसके बोले दिखेंगे। तो इस तरह से मेंडल ने अपने बगीचे के अंदर जब लंबे और बड़े मटर के पौधों पर काम किया, तो उसने कह दिया लंबे पौधे जैसे टी, ये एक ऐसी सिंपल है जिसको कुछ कोई बड़ा याद करने लगी। अब मेंडल ने जब टी मान इसको नाम दिया, आज मैं इसको कुछ देर हम आगे साथ इसी पढ़ते हैं, बोले को उन्होंने नाम दे दिया इस्माइल। और जब इन दोनों पौधों मतलब मटर ही है, किस्मत एक ही है, पौधा एक ही है, लेकिन एक लंबा लिया एक बोला पौधा लिया, और जब इन दोनों के बीच में संकरण करवाया तो ये आई बात संकर। ठीक, अब जब इन्होंने क्या किया, ये मेरे एक उदाहरण था, मैंने ने क्या किया, ऐसे 50 पौधों के पौधों को लिया अलग अलग, 50 पौधों को एक साथ किया, जो F1PD आई उसमें उसने देखा कि 30 पौधे आगे लंबे और 20 कैसे आगे बोले, तो जो 30 आए लंबे ये 30 प्रभावी है, लंबे प्रभावी है। तो इस प्रभावी का नियम क्या हुआ कि जब संकरण करवाया गया तो जो चीज ज्यादा आई वो उसके ऊपर प्रभावी होगी। तो मेंडल ने अपने इस प्रयोग के द्वारा बताया कि इस प्रकार प्रभाविता का लक्षण है वो पौधों की F1PD में दर्शाया जाता है। तो देखो इसने क्या कहा फिर आगे, वह लक्षण जो F1PD में अपनी अभिव्यक्ति दर्शाता है प्रभावी कहलाता है, तथा वह लक्षण जो F1PD में अपनी अभिव्यक्ति नहीं दर्शाता है उसे अप्रभावी कहते हैं। ठीक है, तो देखो आप इसको लिखते हैं अपनी भाषा में, लिखे मेंडल के प्रभाविता, मेंडल के प्रभाविता नियमानुसार, मेंडल के प्रभाविता नियम अनुसार जब एक प्रभाविता नियम अनुसार जब एक लक्षण के लिए जब एक लक्षण के लिए जब एक लक्षण के लिए विप्रयासी शब्द का मतलब सीधा सा बता दो भाई, ये सब विप्रयासी शब्द का मतलब है कि दो अलग अलग लक्षणों वाले पौधे। ठीक है, विप्रयासी समहिपजी, समहिपजी का मतलब है एक युग्मक है, तो मटर के दो अलग अलग पौधे युग्म एक हो गया, जैसे मटर की जगह क्या ले लिया, बाजरा ले लिया, कपास ले लिया, तो युग्म एक हो गया ना, समहिपजी पादपों में संकरण करवाया जाता है, संकरण करवाया, संकरण करवाया जाता है, तो F1PD में
F1PD में जो लक्षण F1PD में जो लक्षण अपनी अभिव्यक्ति दर्शाता है वह प्रभावी कहलाता है। ठीक है, तथा जो लक्षण F1PD में अपनी अभिव्यक्ति नहीं दर्शाता। क्या कहलाता है विष्णु? अभिव्यक्ति नहीं दर्शाता वह क्या कहलाता है? अप्रभाव। क्या कहलाता है? अप्रभावी कहलाता है। ठीक है, ये हो गया आपके प्रभावता का नियम। उदाहरण से देखें उसी भी बात है, एक रुपये लंबे पौधे, उदाहरण देखो एक रुपये लेंगे लंबे पौधे इधर दो लंबे पौधे ले लिए, इधर ले लिया आपने बोने पौधे, ये रटने लायक नहीं है, समझने लायक है। ठीक है, तो जब भी मैं इसमें लिखूं तो सीधा समझ लाना है छोटे पौधों के, ये ले लिए तो यहां मैंने एक कैपिटल डी प्राप्त किया, दोनों में क्रॉस करा रहा हूं, या मैंने एक स्मॉल डी प्राप्त किया, और जब मैंने दोनों के बीच में संकलन करवाया तो ये हो गया कैपिटल और स्मॉल डी। तो देखो ये तो जो पौधे लिए ये जनक पीढ़ी होगी, क्या हो गई? जनक पीढ़ी, जैसे कि माता पिता। ठीक है, ये जनक पीढ़ी होगी, और फिर ये हमारे पास आया युग्मक, आया क्या आया? युग्मक, और ये आ गई हमारी F1 पीढ़ी। क्या हो गई? F1 पीढ़ी। तो ये आ गए आपके प्रभाव, क्या हो गया? संकर लंबे पौधे। कैसे आ गए? संकर लंबे पौधे। ओके, संकर लंबे पौधे। तो इस प्रकार आप अपने इस प्रयोग के द्वारा समझ सकते हैं कि आपको लंबे और बौने पौधों के बारे में पता रहे कि इस प्रकार हम लंबे और बौने पौधों को प्राप्त कर सकते हैं। एक बार वापस देखें, एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूं, सीधी सी बात है कि मेंडल ने अपने वंशागति के नियम दिए थे, कितने दिए थे? वंशागति के कितने नियम थे? तीन। कितने थे? तीन। सबसे पहले प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण या क्या था? युग्मकों के बारे में। ठीक है, और तीसरा क्या था? स्वतंत्र अपवन का नियम। पहला हम देख रहे हैं प्रभाविता का नियम, जिसमें मेंडल के प्रभाविता के नियम में हमने पढ़ा है कि मेंडल के प्रभाविता नियम अनुसार जब एक लक्षण के एक विपर्यासी, मतलब एक ही पौधे के अलग अलग छोटे और लंबे पौधे विपर्यासी सब हिमजी पादपों में संकरण करवाया जाता है, तो F1PD में जो लक्षण अपनी अभिव्यक्ति दर्शाता है वह प्रभावी कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रभावी। तथा जो लक्षण F1PD में अपनी अभिव्यक्ति नहीं दर्शाता है वह क्या कहलाता है? अप्रभावी। तो ये प्रभावी और अप्रभावी जो दर्शाता है ये ही इस प्रभाविता के नियम में बताया। तो इधर हमने लिए लंबे पौधे, ये ले लिए बौने पौधे। लंबे पौधों का हिम्मत कैपिटल की, बौने पौधों का हिम्मत स्मॉल की, और जब इन दोनों के बीच में संकरण करवाया तो हमें जो नई पादप संतति प्राप्त हुई उसमें अधिकांश पौधे कैसे थे? लंबे थे। कैसे थे? लंबे थे। तो इसमें क्या हो गया? प्रभावी कौन सा कौन रह गया? कौन सा लक्षण प्रभावी था? लंबापन। कौन सा था? लंबापन, मतलब कैपिटल टी। और अप्रभावी कौन सा था? बौनापन। कौन सा था? बौनापन, मतलब स्मॉल टी। ठीक है,
इस प्रकार ये प्रभाविता का नियम है। हम इन तीनों नियमों को एक एक दिन के साथ पढ़ेंगे। अब जब कल की क्लास में दोहराऊं तब आपको ये आज का जो टॉपिक है प्रभाविता का नियम, ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ सर प्रभाविता का ये नियम है, तीनों नियमों के नाम और उसमें से प्रथम नियम आपको ये याद होना चाहिए। इस प्रकार हम अपने इस टॉपिक को एक अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ओके साथियों, फिर कल की क्लास में मिलते हैं। और आप इसके अलावा अपनी पाठ्य पुस्तक को देखें, उसके अंदर पूरी सारणी दी हुई है। इसके अलावा और YouTube पर जाइए और YouTube पर आप जो टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है उस टॉपिक को खोलिए। गीता दाम के चैनल के अलावा और भी ऐसे आपको कई सारे टीचर मिलेंगे जिनके वीडियो से आप अपने इस टॉपिक को और अच्छे से समझ सकते हैं। हाँ, अब की बार जितना हो सके आप अपनी सेल्फ स्टडी को जितना अच्छा मजबूत करेंगे इतना ही ज्यादा जब भी स्कूल खुलेगी आपको बेनिफिट रहेगा कि आपके पास अपना एक बैकअप तैयार रहेगा कि हाँ, मैंने हनुमान सिंह के बारे में पढ़ा था यूट्यूब की क्लास के समय और अब मैं वापस इसको वास्तविकता पढ़ रहा हूँ तो मुझे इसका इतना अच्छा बेनिफिट है। जय श्री कृष्णा, फिर मिलते हैं।